नमस्कार, स्वागत है आपका छपरा टुडे.com के इस खास प्रस्तुति में, जहां आज हम बात करने वाले हैं विश्व कप 2023 के अब नए मैचों की। विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। यह हमारे लिए, आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि तमाम खेल प्रेमियों के लिए। खासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारत और पाकिस्तान का मैच देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है और सभी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच देखा जाए। मेरे साथ पूर्व की तरह मेरे सहयोगी निगम बच्चन जी हैं। कैसे देखते हैं आपको? सबसे पहले छपरा टुडे के सभी दर्शकों को नमस्कार है। आज का जो ये मुकाबला है काफी रोचक होने वाला है। रोचक मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि चूंकि भारत अभी तक जितने भी विश्व कप के मुकाबले हुए हैं उसमें रौंदते हुए पाकिस्तान को भारत ने उस मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो ये आठवां मुकाबला जो होने वाला है वो भारत के पक्ष में जाने वाला है। तो ये विजयी ड्रेस मैं पहले ही पहन के आ गया हूँ। मतलब आप पहले ही बता दिए रौंदते हुए, मतलब आप मतलब भारत पाकिस्तान को भारत रौंदने की तैयारी कर चुका है। जी हाँ जी हाँ, जबकि जब अजहरुद्दीन का जमाना था, सौरभ गांगुली का जमाना था, महेंद्र सिंह धोनी का जमाना था, जब जिनके कप्तानी में हमने देखा है कि भारत ने मुकाबले जीते हैं, तो आज यह मुकाबला रोहित शर्मा की कप्तानी में होने वाला है। और रोहित शर्मा को तो आप देखे ही हैं पिछले मैच में किस तरीके से उन्होंने दुरंधर बैटिंग की थी, जिस दुरंधर तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, लाजवाब था, एक तरफा मैच कर दिया था। बिल्कुल, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो दर्शक जो है वो कहीं ज्यादा रोमांचित होते हैं और कहीं ना कहीं देश प्रेम में लोग इतने रम जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को ऐसे देखने लगते हैं जैसे बॉर्डर पे खड़े होकर वे लड़ाई लड़ रहे हो, जंग लड़ रहे हो। देखिए, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो खेल को जिस तरीके से भारत खेलता है, भारत समझता है, मतलब भारत के लोग समझते हैं, वो अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो भारत यह खेल खेलता नहीं, खेल को जीता है। और वैसे आप देखिएगा तो भारत के मुकाबले चाहे न्यूजीलैंड से हो, चाहे साउथ अफ्रीका से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, हर एक मैच में अगर वर्ल्ड कप की दावेदारी हो तो हर एक मैच हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पाकिस्तान से। पर पाकिस्तान चिर प्रतिद्वंदी रहा है, केवल भारत क्रिकेट में ही नहीं, हॉकी में आप देखिए, हॉकी के मुकाबले जब भी होते हैं तो बिजली की जो करंट लगती है उस करंट से आपकी हॉकी चलती है और उस करंट से यहाँ पे बल्लेबाजी होती है। और भारत के जितने भी खिलाड़ी रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यह मैच हमारे लिए करो या मरो का मैच है। और वाकई देखने को भी मिलता है, पूरी टीमें जी जान लगा देती हैं, बाबर की फौज हो या अपने रोहित की फौज हो, दोनों टीमें जीतने के लिए खेलेंगे। होप्स हो कि बाबर की टीम कुछ अच्छा करे, पर एक पूरे मैच में इस तरीके से लग रहा है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और भारत टीम आगे की तरफ देख रही है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की थी, चाहे पहला मुकाबला भी हो, बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला था। तो ये एक दृष्टिकोण दिख रहा है कि भारत पाकिस्तान से अगर मार्क्स देने की बात आए तो 10 में से आप पाकिस्तान को 5 से 6 मार्क्स दे सकते हैं और भारत को आप 8 से 9 मार्क्स दे सकते हैं, जिस कारण से भारत को पलड़ा भारी। हमारे कुछ युवा क्रिकेटर हैं जो इस मैच को लेकर काफी कुछ उनके पास है, वो बताना चाहते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि युवा क्रिकेटरों का क्या कहना है भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर। शर्मा जो है ओपनर बैट्समैन जो अच्छा प्रदर्शन करेगा और टीम के लिए अच्छा स्टार्ट भी देगा, और स्टार्ट मिल जाएगा तो एंड करने में उसको बहुत टाइम भी लगेगा। और अगर बॉलर उसको कोई विकेट नहीं ले सकता है क्योंकि वो अच्छा टिक जाता है तो उसको खुद से ही विकेट बिक के जाता है, और अच्छा खेलेगा तो टीम को जिताएगा। वही एक बैट्समैन चल गया तो पूरा मैच खत्म कर देगा। और कैप्टेंसी भी अच्छा कराता है, इस बार वर्ल्ड कप भी जिताने वाला ही है, फिक्स है बस। और मिडिल ऑर्डर भी अच्छा खेल राहुल है, हार्दिक पांड्या है, ये सब भी क्लास बैट्समैन है, सब ये भी जिता सकता है। और बॉलर की बात करें तो बुमराह अभी चल रहा है, कुलदीप है और जडेजा जो अच्छा अच्छा बॉलिंग डाल रहा है सब। बुमराह पावर प्ले में ही विकेट ले सकता है, इतना उसके पास कैपेसिटी है और स्विंग भी अच्छा कराता है। और कुलदीप भी इतना रिस्ट स्पिनर है जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन ब्रेक है, जो अच्छा विकेट दिला सकता है पाकिस्तान, जो जैसे बाबर आजम को विकेट ले चुका है। और ये बस और कोई नहीं, और जडेजा भी अच्छा बॉलिंग कर सकता है, वो भी विकेट ले सकता है। आर अश्विन खेलेगा तो अच्छा विकेट ले लेगा बस। और प्रसिद्ध रशीद और ये कौन है, बस इतना ही। और ओपनर में ईशान किशन है जो अगर खेलेगा तो अच्छा, वो भी स्टार्ट दे रहा है, पिछले मैच में अच्छा रन मार रहा है, अगर खेला तो अच्छा रन मार देगा। वो भी दोनों ओपनर टिक गए तो लास्ट तक खेलेंगे तो 300-350 प्लस जाएगा। और बॉलर में कमी नहीं है, ऐसा नहीं मोहम्मद सिराज जो एशिया कप में 5 विकेट ले चुका है, अच्छा स्टार्ट है उसके पास, विकेट नहीं मिला पर अच्छा स्टार्ट भी देता है। मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है हमेशा भारतीय मन में यह रहता है कि हमेशा भारत मैच जीते के खिलाफ। अब देखा गया है कि हर एक बार जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो विराट कोहली हमेशा बल्ला बोलता है या विराट कोहली हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता है भारत
पाकिस्तान के खिलाफ। और यहाँ पर अभी एक आए थे भैया, वो बोल कर गए कि रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करेगा। रोहित शर्मा बैटिंग अच्छा करता है, हर एक चीज़ पर उनका अच्छा रहता है, फील्डिंग भी अच्छा रहता है, लेकिन काफ़ी बार देखा गया कि विराट कोहली तो ज़्यादातर उनको बैटिंग करते हुए अच्छा देखा गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और ज़्यादा अच्छा करते हैं पाकिस्तान के, उनका फील्डिंग भी बहुत अच्छा है। या जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो वहाँ पर सबसे राइवलरी माना जाता है, एशिया कप में हो गया या वर्ल्ड कप हो गया या T20 हो गया, हमें सब माना गया विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हो। कहना चाहता हूँ कि इंडिया की टीम में अभी शुभमन गिल दो दिनों से मैच नहीं खेल रहे हैं, शुभमन गिल अगर मैच ये वाला खेल लेते हैं पाकिस्तान वाला तो वे बहुत रन मारेंगे, उनका शुरुआत भी अच्छा रहता है और वो क्लास से हर एक गेंद खेलते हैं, जो भी शॉट मारते हैं वो चार या दो या एक में जाता है, कन्वर्ट करते हैं, उनको सिंगल निकालने में परेशानी भी नहीं होती है। वे एक शानदार क्रिकेटर हैं, वे टिक जाते हैं मैदानों पर तो उनको जल्दी आउट करना मुश्किल से करते हैं बॉलर। जैसा कि आपने देखा कि अभी तमाम हमारे युवा क्रिकेटर जो हैं वो भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो हैं वो कहीं ना कहीं जैसा उनका पिछला फॉर्म था तो पाकिस्तान के खिलाफ भी वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, ऐसा फैंस का कहना है, जो युवा फैंस है उनका कहना है। तो आपको क्या लगता है रोहित शर्मा इस बार ध्रुव पंत का फिर से साबित होंगे? देखिए पिछली बार जब छपर टू डे ने लाइव किया था तो मैंने बताया भी था कि रोहित शर्मा ध्रुव पंत का है और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को किसी तरीके से आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। पिछले 13 मैचों में मैं बताऊं, पिछले वर्ल्ड कप के 13 मैचों में रोहित शर्मा ने 7 शतक लगाए हैं, अब तक 7 शतक लगाने वाले वो भारत के नहीं विश्व के बहुत बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। अब सोचिए कि उनका, मेरे पास पूरी उनकी ट्रैक रिकॉर्ड मैंने 13 पारियों का मैंने देखा तो जो शतक लगाए बहुत कम गेंदों पे लगाए हैं, पिछला भी मैच जिस तरीके से था कम गेंद पे उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे। और जिसका कारण है कि अगर रोहित शर्मा चलते हैं तो 400 रन तक का भी आंकड़ा अगर आप चेस कर रहे हैं तो कम पड़ जाता है, अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आप आसानी से 400 रन के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। और बच्चों ने जिस उत्साह से बताया और आज का मुकाबला वैसे ही होने वाला है, आज का मुकाबला जो है वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है। और इस स्टेडियम के जो बातें पिछली बार हो रही थी कि कम दर्शक आए थे तो इस बार भारत और पाकिस्तान का मैच है तो लगता है कि जो सीटें हैं वो तो पहले ही फुल हो चुकी हैं, बाहर से भी दर्शक रोड पे ही होंगे, कहीं ना कहीं स्क्रीन खोज रहे होंगे कहां मैच देखे, कहीं ना कहीं ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है। और इस पूरे मुकाबले में किस तरह से बातें आगे बढ़ेगी ये सब कुछ हम साथ आपके करने वाले हैं और आगे भी हम आपसे के साथ जुड़ेंगे। हमारे तमाम पैनलिस्ट भी अब जुड़ने वाले हैं जो इस मैच के शुरू होने के बाद, हम चाहते नहीं कि आपके मैच में कुछ खलल पड़े इसलिए मैच के मिड में हम आपसे बातचीत करेंगे और तमाम हमारे पैनलिस्ट भी इस वक्त जुड़े रहेंगे जो आपसे बातचीत करेंगे और तमाम क्रिकेट के बातचीत होगी। और भारत और पाकिस्तान का ये जो मुकाबला है वो किस ओर जाता है, भारत और पाकिस्तान कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वो मैच अपने पक्ष में करे और तमाम बातें होंगी। मेरे ख्याल से जो भारत की टीम है बैटिंग जो पिछली बार देखी गई है पिछले मैच में वो मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की टीम की भी बॉलिंग काफी मजबूत रही है और वो भी इतने कमजोर टीम नहीं है, लेकिन अभी भी जो पॉइंट टैली में पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, भारत रन रेट से 4थे नंबर पे है, हालांकि दोनों ने दो दो मैच अपने जीते हैं। जी देखिए पाकिस्तान ने जो दो मुकाबले जीते, एक नीदरलैंड से जीता, एक श्रीलंका से जीता, तो श्रीलंका का मुकाबला 6 विकेट से जीता, नीदरलैंड से 81 रन से संभवतः जिस तरीके की मैंने देखा था तो वो मुकाबला उन्होंने जीता था। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के गेंदबाजों की तुलना करें, हाँ जी हाँ, वर्ल्ड के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है शाहीन अफरीदी, पर शाहीन अफरीदी को आप जहां देखते हैं वो जो रिदम होना चाहिए 145 के ऊपर के गेंदबाजी वो करते थे, अब उनकी वो पैनापन रहा नहीं। पिछले मैच में भी आप देखें, उस मैच में भी उनकी बढ़िया पिटाई हुई है, मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि पिटाई मतलब गेंदबाजों की पिटाई नहीं, गेंद की पिटाई हो रही है। और उस दृष्टिकोण से आप देखें, हसन रफ अच्छे गेंदबाज, हसन अली बहुत अच्छे, नवाज, मतलब उनके पास कुछ राउंडर हैं जो मिडिल के ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक थोड़ा सा एज देते हैं, पर अगर गेंदबाजों की कंपैरिजन करें भारत के दृष्टिकोण से तो भारत के गेंदबाज अब जसप्रीत बुमराह जिस तरीके की आज गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा जो गेंदबाजी आपने उनके पैरा पर देखा 3 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया में, जो जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की थी वो काफी काबिल तारीफ है। कुलदीप यादव और बाबर का हमेशा कंपैरिजन रहा है कि बाबर आजम को कौन आउट करेगा, तो ये मामले में तो
हम मैं अगर पूरे ओवरऑल में बात करूं तो अनुभव की दृष्टि से भी आपको मिलेगा कि भारतीय गेंदबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों से ज्यादा अनुभवी है। और बल्लेबाजी में भी देखें तो आप देखिए 200 से ऊपर मैच खेलने वाले भारत के पास दो बल्लेबाज हैं, भारत में रोहित शर्मा और आपके विराट कोहली हैं। पाकिस्तान की तरफ से देखें तो 100 मुझे लगता है कि एक ही बल्लेबाज है बाबर आजम, तो 100 के ऊपर उन्होंने मैच खेला है। बाकी सारे लोगों को अगर कंपैरिजन करें तो सारे लोगों ने 100 से नीचे ही मैच खेला है। कई लोगों के तौर पर इफ्तिकार को देखिए, शकील को देखिए, इन लोगों के जो अनुभव है ये 15-20-25-30 मैचों का ही रहा है। तो 50 से नीचे का जिनका अनुभव रहा है उनके पास उस तरीके की स्ट्रेंथ नहीं होगी। जो देखिए क्या है, जितना फिजिकली ये मैच होने वाला है उतना ही मेंटली होने वाला है। और विराट कोहली ने भी कहा है कि मैं मेंटली रूप से प्रिपेयर हूं और फिजिकली रूप से भी प्रिपेयर हूं इस मैच के लिए। जिस दृष्टिकोण से ऐसा देखा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। एक बात आप बता रहे थे गेंदबाजी के बारे में, आप जो बात कर रहे थे, तो देखिए अपने बुमराह जो जसप्रीत बुमराह है उन्होंने लगभग 50 से ऊपर 80 के आसपास उन्होंने मुकाबले खेले हैं और शाहीन अफरीदी ने 46 मुकाबले खेले। तो यहाँ पे लगभग दुगने का अंतर हो जाता है मुकाबलों पे देखा जाए तो अनुभव ही होता है। और अनुभव की दृष्टि से भारतीय टीम आगे है। और परफॉर्मेंस अगर रिसेंट परफॉर्मेंस को देखिए, रिसेंट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि वर्ल्ड में दबदबे के लिए इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने कहा कि माइंड गेम है और माइंड जो है वो प्रिपेयर माइंड से प्रिपेयर होना चाहिए। विराट कोहली ने जरूर कहा होगा कि विराट माइंड से प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो तो उसमें तनाव तो आता ही है और उसमें दर्शकों के अंदर जो रोमांच है वह पूरा रोमांच जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर बन गए खिलाड़ियों के ऊपर होता है और खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं इस मैच के पहले दबाव में होते हैं जब तक रिजल्ट ना आ जाए। भारत और पाकिस्तान का मैच इतना बड़ा होता है और दर्शकों की अपेक्षाएं इतनी जुड़ी होती हैं कि इस मैच को देखने वाला हर कोई समझता है कि खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहा है वह तो केवल मैदान में है लेकिन मैं मैदान में मौजूद हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग अपने को कनेक्ट करते हैं और भारत और पाकिस्तान का मैच एक एक गेंद पर बिल्कुल रोमांचक होता है और उस रोमांच से भरे हुए पल को आप भी देखेंगे अब से कुछ देर के बाद जब यह मैच शुरू होगा। तो हम सब मिलकर यहाँ मैच देखेंगे और तमाम हमारे जो लोग हैं जो हमारे दर्शक इस पूरे ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं हर बार की तरह उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप भी जुड़िए भारत और पाकिस्तान के इस मैच को लेकर। आपके पास कोई बातें हो, कोई एक्सपर्ट एडवाइस हो तो आप हमसे बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी आपकी बातों को आपके नाम के साथ हम चपरा टुडे के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक और जो सवाल है भारत की बैटिंग को लेकर लगातार बता रहे हैं हमारे युवा क्रिकेटर्स ने भी कहा कि शुभमन आता है तो अंत में खेल कर जाता है, लेकिन शुभमन पिछले दो मैचों से खेल में नहीं है, क्या लगता है इस बार खेल पाएंगे? देखिए अभी थोड़ी देर में ये अनाउंस हो जाएगा कि शुभमन गिल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल के जो मेंटर हैं युवराज सिंह, आपने सुना ही होगा युवराज सिंह का नाम। युवराज सिंह जो पिछले वर्ल्ड कप जो आया तो वो शुभमन गिल के मेंटर है। तो शुभमन गिल के मेंटर युवराज सिंह जैसा हो जो कैंसर की परिस्थिति में भी अगर मैच खेला हो तो डेंगू की परिस्थिति में भारत पाकिस्तान का मैच मुझे लगता है कि शुभमन गिल खेलेंगे। ये तो मोरल को हाई करने के लिए एक जबरदस्त उदाहरण है और वाकई कहीं ना कहीं जो युवराज सिंह ने कर दिया था और जिस तरह की परिस्थिति में उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था कहीं ना कहीं डेंगू तो कहीं उसके दूर दूर तक नहीं है, लेकिन किसी तरह से शुभमन गिल अगर खेलते हैं और शुभमन गिल आज के मैच अगर खेलते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी बात होगी और खासकर हमारे फैंस के लिए अच्छी बात होगी जो लगातार आप भी शुभमन गिल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पिच पर आए और खेले और भारत के लिए चौके और छक्के लगाए। क्यों नहीं भाई, शुभमन गिल जिसने 2023 में पूरे मुकाबले में आते 2023 का अभी ये चल रहा है आपका अक्टूबर, अभी तक लगभग 1200 रन के आसपास उन्होंने बनाए हैं अपने अपने पूरे क्रिकेट करियर में। 7 शतक उन्होंने लगाया है, 6 शतक इसी साल उन्होंने लगाया है, तो आप उनका रिदम देख सकते हैं। तो इस कारण से शुभमन गिल का इंतजार सभी कर रहे हैं। और ईशान किशन अनफॉर्चुनेटली अगर ईशान किशन लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को देख के देखा जाएगा तो ईशान किशन को कहीं फिट बैठाया जा सकता है, पर अगर शुभमन गिल आते हैं तो ईशान किशन को किसी दूसरे जगह पर रिप्लेस करना है, या तो श्रेयस अय्यर को रोकना पड़ेगा ईशान किशन के लिए या फिर श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर के लिए बेस्ट स्ट्रेंथ माना जा रहा है तो ईशान किशन को ही बाहर बैठना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिए थोड़ी देर में तो अनाउंस हो ही जाएगा कि भारत कहीं ना कहीं अपने इस मैच को जीतने की कोशिश करेगा और हर बार की तरह हम फैंस भी यही चाहते हैं कि भारत जीते। तमाम बातें होंगी और इन सब बातों के बीच आप सभी दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी बातों को हम तक पहुंचाइए और अपने एक्सपर्ट एडवाइस भी हमें दीजिए ताकि, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दर्शक कहीं ना कहीं क्रिकेट में काफी रुचि रखते हैं और उनको अपनी बातों को कहने का मौका मिलना चाहिए।
तो हम चाहेंगे कि आप अपने हमसे जुड़िए और हमारे पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे इस मैच के एक इनिंग के बाद, जब टॉस हो जाता है, कौन सी टीम टॉस जीतती है, इसके बाद मैच किस तरफ जाता है वो एक इनिंग के बाद लगभग क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम मिलेंगे और आपसे बातें होंगी और बातचीत होगी। और chapratoday.com की ये कोशिश है कि हमारे क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उन तक हम जुड़े और उन तक क्रिकेट से जुड़ी हुई है तमाम जानकारियां उनको पहुंचाएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर से इस ब्रॉडकास्ट में, जुड़ेंगे आपसे मैच के बीच में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।